हाय फ्रेंड्स, मैं सेल बिजन, आप देख रहे हैं बिजू टेक्निकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये एक सबमर्सिबल पंप है हाफेज का और इसका ब्रांड है वरुणा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस पंप को आप मैन्युअली चला सकते हो बिना स्टार्टर के, और उसका कॉइल कैसे चेक करते हैं, ये सारी डिटेल्स आज इस हम वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मोटर को चेक करने के लिए हमें चाहिए एक क्लैंप मीटर और मल्टीमीटर पर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं इसलिए क्लैंप मीटर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम इस मोटर को का जो एम्पियर है उसे भी हम चेक कर सकते हैं इस एक मीटर की मदद से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मीटर को कंटिन्यूटी पोजीशन में लाना है जो गुजर के मोड है, और उसके बाद हम इस मल्टीमीटर का जो इस क्लैंप मीटर का जो दोनों प्रोब है उसे आपस में शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर 0.2.1 ऐसे ही रीडिंग आ रही है, मतलब ये सही है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट में, सपोज कि मैं ये रेड प्रॉप को कोई भी एक पॉइंट में जो मोटर का वायर है उसमें आप टच कर लीजिए। ओके, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट में चेक करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कैमरा पर नहीं आ रही है, मैं आपको थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर रीडिंग आ रही है 1, और सबसे पहले मैं यहाँ पर दोनों को फिर से आपस में टच कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 0.0 रीडिंग आ रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो मोटर का तीनों वायर है इसमें आप कोई भी एक वायर पे अपना मल्टीमीटर का एक प्रॉब ऐसे ही टच करके रख ले, और ये जो दूसरे वाले प्रॉब है इसे हम जो दूसरे वाले वायर है मोटर का उसमें हम टच करेंगे। दिखना है कि कितने कंटिन्यूटी आ रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 27 पॉइंट समथिंग का जो रीडिंग है आ रही है, एंड इसी पॉइंट को हम कॉमन रख के और एक वायर पे हम टच करेंगे। ओके, जो हमारे ब्लैक वाला प्रॉब है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हो 39.2 रेजिस्टेंस एंड की कंटिन्यूटी आ रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस तीनों वायर में जो कौन सा वायर हमारे कॉमन पॉइंट है उसे हम चेक करना है। तो सबसे पहले हमें, मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ कि आप एक कोई भी ऐसा पॉइंट चुन लीजिए जहाँ पर और दोनों वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कम आता होगा। सपोज कि यहाँ पर मैं इसे कॉमन करके रखा हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं कितना रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पर 39 पॉइंट समथिंग आ रही है, और इस वाले पॉइंट में देखिए कितना आ रही है, 26.3 आ रही है। तो हमें क्या करना है, इस दोनों वेयर में रेजिस्टेंस कम है, तो हम क्या करना है, इस पॉइंट को हम कॉमन अभी कॉमन कर देंगे, एंड जो रेड वाला वेयर है उसे हम दूसरे वाले प्रॉप को टच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 13 पॉइंट समथिंग रेजिस्टेंस आ रही है, और यहाँ पर कितना आ रही है, 26.1। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि इस पॉइंट में ये जो पॉइंट ब्लू वाला पॉइंट आप देख रहे हो ये कॉमन पॉइंट है। ओके, और ऐसे ही जो समरसेबल का, हर एक समरसेबल का जो ब्लू वाला कलर का है, जितने सारे भी सिंगल फेज का है ब्लू वाला वायर कॉमन होता है, और ये जो येलो वाले है ये रनिंग होता है। ओके, और ये रेड वाला स्टार्टिंग होता है। ओके, तो हमें क्या करना है, देखिए मैं फिर से आपको क्लियर करा देता हूँ। ये वाले पॉइंट में हमने एक प्रॉप को ऐसे ही टच कर रखा, और दूसरे वाले पॉइंट में ऐसे हमने टच किया, तो 26.2 रेजिस्टेंस आ रही है, और यहाँ पर 13 पॉइंट समथिंग रेजिस्टेंस आ रही है। तो इस दोनों को मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो देखिए 39.2 समथिंग। तो इसका मतलब है ये दोनों हमारे है, ये है रनिंग और ये है स्टार्टिंग का, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो जो ब्लू वाला वायर है ये कॉमन वायर। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इस दोनों पॉइंट में हमें कैपेसिटर का फिट करना है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 13 mA, लेकिन फ्रेंड्स इस मोटर को चाहिए 25 mA का। फिलहाल अभी हमारे पास 25 mA का कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे ही आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसे एक तार से जोड़ लूँगा एंड दूसरे वाले तार से ऐसे ही जोड़ लूँगा। तो फ्रेंड अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सप्लाई देंगे एंड रनिंग कॉइल में एक सप्लाई देंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको फाइनली चेक करके बता देता हूँ। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं ऑलरेडी सारे सेटअप कंप्लीट कर चुका हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं जैसे आपको बताया था कि ये जो ब्लू वाला वायर है ये कॉमन पॉइंट है, तो कॉमन पॉइंट पे एक वायर एंड जो रनिंग पॉइंट है उसमें और एक वायर। ओके,
जो कि सप्लाई का वायर है। और ये जो कैपेसिटर का दोनों पॉइंट है, एक जाएगा येलो कलर पे और एक कनेक्ट होगा रेड कलर पे। ओके, तो बिल्कुल सारे सेटअप आप देख सकते हो, पूरा कंप्लीट हो चुके हैं और रेडी है अभी चलने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, यह जो सप्लाई से देने पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यह है मेरा सीरीज बोर्ड और यहाँ पर देखिए आप बिजली भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करूँगा, देखिए मैं यहाँ पर एम्पियर मीटर को अभी एम्पियर मोड पर सेट करके इसे टेस्टिंग करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरीके से इसे रख देना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो एक सप्लाई का जो फेज वायर है यहाँ पर जाना चाहिए इस क्लैंप के अंदर। ओके, और अभी हम क्या करेंगे इसे, तो मैं कैमरा को पीछे ले जाता हूँ एंड ये है मेरा सीरीज बोर्ड। ओके, देखिए सीरीज में लाइन आ रही है और ये शॉर्ट है कि नहीं ये भी हमें पता चल सकता है। देखिए ये बिल्कुल शॉर्ट नहीं है कि सीरीज बोर्ड बता रहा है। और देखिए मोटर हमारे आगे है, तो चलिए इसे मैं अभी स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ और ये मोटर शायद गिर ना जाए तो उस पर भी हम ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ी सी मैं इसे इस मोटर को पकड़ना होगा शायद। तो फ्रेंड्स इस मोटर को मैंने अपने मोटर का जो वायर है इसे मैं पकड़ के रखा हूँ और चलिए फाइनली हम अभी चेक करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर थोड़ी सी मैं टाइट कर देता हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना करे टेस्टिंग टाइम पर। और अभी हम इसे बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए बोर्ड का लाइट ऑन हो गया यानी कि इसका सर्किट कंप्लीट है। तो चलिए फाइनली अब हम इस स्विच को ऑन करेंगे, है ना। तो देखिए फ्रेंड जो हमारी मोटर है बहुत चालू कंडीशन में है और इसका जो एम्पियर भी आप देख रहे हो 1.6 एम्पियर। ओके, इसका मतलब जो मोटर है ये अभी सही है ना। और देखिए मोटर एकदम चालू कंडीशन में और एकदम साइलेंट का मोटर है ये, बिल्कुल आवाज़ नहीं है इसमें। और चलिए इसे फिर से मैं और एक बार ऑफ कर देता हूँ और देखिए ये ऑफ हो गया, है ना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नई व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई और नई वाली वीडियो डालूंगा अपने चैनल में तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलूंगा नए और नेक्स्ट वीडियो के साथ।